दर्शनी गेट इलाका जो कि गुरु राम राय दरबार साहिब के सामने का इलाका है, वहाँ पर बहुत सारे दुकानदार हैं, छोटी छोटी मार्केट बनी है गलियों में, संकरी गलियों में। उनके बीचों बीच एक महान राजा की समाधि जो कि बहुत ही बदहाला अवस्था में है, और अफसोस कि उत्तराखंड की 1 करोड़ के जनसंख्या के आसपास लोगों में से 1% जनता को भी यह नहीं मालूम कि किसी महान राजा की समाधि इस क्षेत्र में भी हो सकती है। बहुत से लोगों ने राजा प्रद्युमन शाह का नाम तो सुना होगा, लेकिन उन्हें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक ऐसे महान राजा की समाधि की ओर आपको ले चलूँ, उनके दर्शन कराऊँ। अफसोस कि जब आज मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ ताला लगा मिला, और आपको बताते चलें कि टिहरी राजघराने की बहू व वर्तमान सांसद महारानी राज्य लक्ष्मी शाह जी 10 जून 2017 को समाधि के दर्शन को आई थी। मैं भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद था, और रानी साहिबा ने समाधि के जीर्णोद्धार की बात कही थी, पर अफसोस कि वो बात सिर्फ बातों में ही दब गई और राजा की समाधि आज भी बदहाल अवस्था में है। उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है, पर 1% ही मात्र लोग होंगे जो राजा प्रद्युमन शाह की समाधि के बारे में जानते हैं। राजा प्रद्युमन शाह राज्य के स्वतंत्र होने तक गढ़वाल वंश के अंतिम और 54वें शासक थे। उन्होंने 1785 से 14 मई 1804 तक राज्य के क्षेत्रों पर शासन किया, और बाद में देहरादून के पास खुड़बुड़ा की लड़ाई के बाद गोरखा सेना द्वारा राज्य को हरा दिया गया। बैटल ऑफ खुड़बुड़ा में प्रद्युमन शाह ने अपने 10,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी, जब गोरखाओं ने कोटद्वार से घुसपैठ की थी। 13 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 14 मई 1804 को अपने राज्य को बचाने के दौरान राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए। अच्छा लगता है कि ये आज ही नहीं, हर साल यहाँ दिया जाता है, और मैं जरूर मैं पहला बार आई हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारा उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है आगे बढ़े, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे उत्तराखंड के लोग को अपना ही हिस्ट्री पता नहीं है, और बहुत ज़रूरी था। मैं तो 2-3 साल से पीछे पड़ रही थी, मैंने कहा हमारे बाहर से जो लोग आते हैं उनका हिस्ट्री तो हम लोग बहुत वो करते हैं, मगर अपने उत्तराखंड के लोगों का हिस्ट्री क्यों हम ना करें, तो हम लोग कोशिश करें।